फ्रेंड्स, द टियारा टेक शो में आपका स्वागत है। ये आप रोटेटिंग फ्लोटिंग लैंप देख रहे हैं। दिवाली के सीजन में जनरली इसका यूज़ किया जाता है। आज हम इसको बनाना सीखेंगे। फ्लोटिंग लैंप बनाने के लिए आपको कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होंगी जो यहाँ पे आपको दिख रही है, फिर भी जो इंपॉर्टेंट थिंग्स है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे आपको एक बॉक्स लगेगा, माउंटिंग बॉक्स। इसके अलावा आपको शीट लगेंगी, ये कार्डबोर्ड शीट है, थोड़ी हार्ड शीट लेना पड़ेगा। माउंटिंग क्लैंप्स लेनी होंगी, इस तरीके से माउंटिंग क्लैंप्स दिखती हैं। एक वुडन स्टिक लेनी होंगी। वुडन स्टिक के अलावा आपको कुछ कलर शीट्स, ट्रांसपेरेंट कलर शीट्स लेनी होंगी, सीजर, कटर एंड एक बल्ब, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए। माउंटिंग के लिए आपको ये स्टिक यूज़ करनी है। स्टिक में सबसे पहले माउंटिंग क्लैंप को इस तरीके से आपको अरेंज करना है और इसमें मार्कर पेन के थ्रू निशान लगा लेना है। इस तरीके से निशान लगा लिया आपने मार्कर पेन पे। वैसा ही जो उसका सेकंड एंड है उसमें भी आपको माउंटिंग क्लिप यूज़ करके उसको निशान लगा लेना है। बाद में ड्रिल मशीन की मदद से आपको इसमें होल करने हैं और इस क्लैंप को इसमें माउंट करना है। क्लैंप माउंट करने पे एक और चीज़ ध्यान रखनी है, आपको एक क्लैंप लेके उसमें एक वुडन स्टिक अरेंज करना है और उसमें एक नेल भी अरेंज कर देना है, जिसको आप फेविक्विक या ग्लू गन से आप टाइट कर सकते हैं। अब हम एक राउंड सर्कल बनाएंगे शीट में विद द हेल्प ऑफ कंपास। कंपास के थ्रू एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से सर्कल बन गया है। इसका सेंटर पॉइंट भी हमको आइडेंटिफाई करना है। सेंटर पॉइंट पे आप निशान लगा लेंगे। सेंटर पॉइंट के से आपको एक छोटा सर्कल भी ड्रॉ करना है। पहले सेंटर पॉइंट को पॉइंट आउट कर लेंगे, उसी से लेके एक छोटा सर्कल भी ड्रॉ करेंगे। हमें ये जो राउंड हमने एक शेप का ये जो सर्कल बनाया है, इसमें हम एक्चुअली फैन बनाने वाले हैं। सर्कल ड्रॉ करने के बाद इस तरीके से दिखेगा। अब इसमें हम फैन की ब्लेड्स बनाएंगे। फैन की ब्लेड्स बनाने के लिए हमें सेंटर पॉइंट से कुछ लाइंस ड्रॉ करनी होंगी। ये अभी हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। इस तरीके से आपको लाइंस ड्रॉ करनी है। टोटल 8 फैन की ब्लेड्स हम बनाएंगे। इस तरीके से हमने लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। इस तरीके से हमने फैन के विंग्स बनाने के लिए लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसे कट करेंगे। आपको इस तरीके से फैन के लिए कट आउट करना है। ऐसे ही हम बाकी के भी विंग्स बनाएंगे। हमारा फैन इस तरीके से दिखेगा। ये हमने कट कर लिए हैं। अब इसके आगे हम राउंड शेप का शीट में कुछ डिज़ाइन बनाएंगे। हमें अब एक शीट लेनी है, ये बड़ी शीट है। अभी जो हमने राउंड फैन बनाया है उसके लिए एक सिलेंडर हमको क्रिएट करना है। सिलेंडर बनाने के लिए हम इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे, जो कि यहाँ पे माउंट होना चाहिए। इस तरीके से माउंट होना चाहिए। सिलेंडर बनाने के पहले हम इसमें कुछ डिज़ाइंस ड्रॉ कर लेंगे, लाइक सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, स्टार। इस तरीके से आपको कुछ डिज़ाइंस ड्रॉ कर लेनी है और इसको कटर के मदद से हमको कट करना है। इस तरीके से आपको अलग अलग शेप बना लेने हैं। हम इस शेप में हम ट्रांसपेरेंट कलर्ड पेपर्स, कलर्ड शीट को हमने इसमें पेस्ट कर दिया है। ये इस तरीके से अब दिख रहा है। अब हम राउंड सिलेंडर बनाएंगे और ये जो हमारा फैन है ये इसमें माउंट करेंगे। जो सिलेंडर हम बनाने वाले हैं उसको इस बेस में हम माउंट करेंगे। इस बेस में माउंट करने के लिए हमने ये माउंटिंग क्लैंप भी रेडी करके रख लिया हुआ है। इस तरीके से है, माउंटिंग क्लैंप को हम यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ स्क्रू माउंट करेंगे। साथ में एक होल्डर जो लाइट और बल्ब को लगाने के लिए यूज़ होगा, उसको भी हम यहाँ पे इस तरीके से माउंट करेंगे।
फाइनली सिलेंडर फिर इसके ऊपर में हम रखने वाले हैं। इस तरीके से आपको इसमें माउंट कर लेना है। बैक साइड में हमने केबल भी निकाल दिया हुआ है। अब इसमें हम सिलेंड्रिकल पार्ट को माउंट करेंगे। इस तरीके से हमने सर्कुलर सिलेंडर बना लिया है और ऊपर में फैन भी अटैच कर दिया है। अब इसको हम जो हमारा माउंटिंग स्टैंड है उसमें माउंट करेंगे। इस माउंटिंग स्टैंड पे हमने तो केबल ऑलरेडी कनेक्ट कर चुके हैं, अब इसमें बल्ब भी कनेक्ट करेंगे। इस तरीके से आपको बल्ब कनेक्ट करना है। अब इसके बाद हम सिलेंड्रिकल शेप जो बनाया है वो इसमें माउंट करेंगे। हमने इस तरीके से अभी हमारा सिलेंड्रिकल शेप जो है वो माउंटिंग स्टैंड में माउंट कर दिया है। अब हम लाइट ऑन कर रहे हैं। ये देखिए, ये कुछ देर में ऑटोमेटिकली रोटेट होने लग जाएगा। इस तरीके से हमारा फ्लोटिंग लैंप बन गया है। जैसे ही हीट जनरेट होंगी ऑटोमेटिकली ये रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये रोटेशन स्टार्ट हो चुका है। हीट जनरेट होते ही ये थोड़ा सा फास्ट रोटेट होने लगेगा।